बरेली के बहेड़ी के गांव रतनगढ़ में मिट्टी की ढांग गिरने से दो छात्राओं की मौत। परिवार में मचा कोहराम। एक छात्रा बीए में पढ़ती थी तो वहीं एक 11 वर्षीय ज्योति चौथी कक्षा की छात्रा थी। घर में सिलाई के काम के चलते 11 वर्षीय ज्योति व 20 वर्षीय सीमा देवी अपने अपने घर संवारने की खातिर पास के एक तालाब पर मिट्टी लेने गई थी। तभी मिट्टी निकालते समय अचानक मिट्टी की ढांग दोनों के ऊपर गिर गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह उनको बाहर निकाला और सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पुलिस व उप जिलाधिकारी भी पहुंच गए और मौके का मुआयना किया तथा पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से कहा, परंतु दोनों ही परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से शवों का पंचनामा भरकर शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। पेश है बहेड़ी के संवाददाता मोहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। तहसील बहेड़ी के अंतर्गत रतनगढ़ गांव पड़ता है, वहाँ पर ये दुखद घटना घटी कि मिट्टी से ढांग गिरने की वजह से दो बच्चों की मृत्यु हुई है। और मृत्यु होने के पश्चात उसको हॉस्पिटल में लेके आया गया। लोग उसके लेके आए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया है। अब वो डेड बॉडी का पंचनामा करके अगले पोस्टमार्टम में करवाई। बच्चे कितने बड़े? दो बच्चियाँ थी, एक बच्ची छोटी। अरे वो है लड़क मिट्टी खोदने गई थी, इसलिए वो दब गई मिट्टी। कहाँ पर खोद रही थी? हमारे गांव में, रतनगढ़ में। और भी कोई साथ में था? हाँ, एक लड़की फैजगंज की है। दोनों की डेथ हुई है? हाँ, दोनों की हुई है। तो क्या करना चाहते हैं, पोस्टमार्टम कराएंगे? पोस्टमार्टम अभी तो इनकार कर रहे हैं। क्यों इनकार कर रहे हो? ना बताओ ना। आपकी बेटी क्या करती थी? पढ़ती थी बेटी। हमें कौन सी क्लास? ये फर्स्ट क्लास।